हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? हेयर कट का फाइनल लुक आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का जो हेयर कट है, जिनको भी बहुत ही स्टाइलिश लुक चाहिए और हेयर की लेंथ जैसी भी हो, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग सभी पे आप ये हेयर कट ले सकते हैं। तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स पे बहुत ही प्यारा सा हेयर कट दिखाने वाली हूँ। फेस लुक भी आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी कटिंग नहीं हुआ है तो कैसा दिख रहा है, और कटिंग होने के बाद आप कितना ज्यादा चेंजेस देखेंगे। बहुत चेंज लगता है, किसी का भी हेयर कट हो, चाहे बच्चे का करो बड़े का करो, हेयर कट होने के बाद ना लुक ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कान के जस्ट सामने से पहला सेक्शन मैं डिवाइड कर रही हूँ, इस तरीके से निकालना है। इसको जो है सामने की तरफ लेके आना है, दोनों तरफ से इक्वल हेयर को लेना, और बीचों बीच से ऐसा नोज से मापते हुए ऐसा सामने की तरफ कोम करते हुए लेके आएंगे। इनको क्या है कि थोड़ा शॉर्ट लुक चाहिए, है ना। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है, मैं चिन से थोड़ा सा नीचे लाके कट करी हूँ, क्योंकि उनको ऐसा फ्रंट पे हेयर दिखना चाहिए इस तरीके से। अगर किसी को थोड़ा लॉन्ग में चाहिए तो आप 1 इंच और एक्स्ट्रा रख के कट कर सकते हैं, बराबर कट कर देना है। उसके बाद में जो साइड वाले हेयर हैं उनको गाइडलाइन के साथ में ऐसा मिक्स करेंगे और इसको भी बराबर ही कट करेंगे। तो पहला सेक्शन कैसे कट करना है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से आप लोगों को। इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आते रहते हैं कि मैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स हूँ या ऑफिस गोइंग गर्ल्स हूँ, तो मुझे एक अच्छा हेयर कट चाहिए, मेरे बालों की क्वालिटी ऐसे ऐसे है, तो हमें कौन सा हेयर कट लेना चाहिए। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी अच्छा स्टाइलिश लुक भी आ जाता है। लेंथ आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कैसा भी हेयर हो सभी पे आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइडलाइन हमारी रेडी हो गई, 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर ली हूँ। अब हमें क्या करना, साइड से मीडियम मीडियम से सेक्शन लेते हुए चलना है। लेयर कट का जो मेथड होता है, इसका जो पोजीशन होता है वो होता है साइड में आपको रखना है, लेकिन जो हाइट है वो आपको बीच में रखना है। लेजर में हम डाउन करते हुए, शोल्डर से डाउन करते हुए ऐसा कट करते हैं, लेकिन जब लेयर कटिंग करते हैं तो उसको हम बीच में रखते हैं, जैसे फैदर में एकदम सामने की तरफ और लेयर में बीच में और लेजर में और नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, आई समझ में आ गया कि आपको तीनों में क्या डिफरेंस रखना है, पोजिशन का आपको ध्यान रखना होगा। फिर से हेयर को मैं ले रही हूँ, और इनके जो हेयर है ना वो मतलब लंबे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन नीचे से काफ़ी पतले हैं और दो मुहे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे सेक्शन जो है मैं कितने ले रही हूँ, 3 से 4 सेक्शन डिवाइड करी हूँ, मतलब 3 सेक्शन हो रहे हैं। थिकनेस के हिसाब से 3 पार्ट्स मैं यहाँ पे डिवाइड की हूँ। अगर किसी के हेयर और घने होंगे तो कम से कम आप 4 to 5 पार्ट्स ऐसा जरूर डिवाइड करेंगे। तिरछा कट करना रहता है, नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर गाइडलाइन के साथ में जाके मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम कर देंगे लेयर की मिक्सिंग, और यहाँ पे मिक्सिंग करने से 2 फायदे, एक तो रीचेकिंग भी हो जाती है, साथ ही साथ तो एक मिक्सिंग भी हो जाती है। तो जो हमने लेयर सभी डाले हैं, कटिंग किया हुआ है ना, उसको हम एक साथ में मर्ज कर देंगे। तो टू फिंगर के बीच में ग्रिप करने के बाद में जो भी हेयर अनइवन लगेगा उसको ट्रिम करने के बाद में जिग जैग कर देंगे। तो ये प्रोसेस ना आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, और मिक्सिंग के टाइम पे भी हेयर आपको मीडियम हाइट पे ही रखना होगा। ओके, एकदम आपको नीचे नहीं रखना है, एकदम सामने नहीं रखना है, बीच में रखेंगे और इस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, तो इसको मैं 2 तरीके से मिक्सिंग के टाइम पे कट कर रही हूँ, एक हल्का ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर और नीचे। तो इससे ना एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स लुक भी आ जाएगा। कुछ चीज़ें ना होता क्या है कि ऐसा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें आप वीडियो में देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरी बातों को सुनने के साथ साथ जो प्रोसेस है उसको आप बहुत ध्यान से देखा करें। एक साइड का हो गया है, अब हम इधर भी सेम यही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इसी तरीके से करने वाले हैं।
उसके बाद में फ्रंट से यहाँ पे मैं एक मीडियम सा लेयर ले रही हूँ और इस तरीके से बीचों बीच से लेना है। आज मैं थोड़ा सा थिक लेयर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि मैंने थोड़ी सी थिक लेयर ली हुई है। उसके पीछे रीज़न है कि इनको थोड़ा सा चौड़ा लेयर चाहिए जो कि फेस पे इनके आए। तो ये कटिंग मैं अक्सर आप लोगों के साथ में शेयर करते रहती हूँ कि जब भी आप फ्रंट हेयर कट करते हो ना, तो पूछ के करें, सबकी अलग पसंद होती है। इनको फेस पे लुक आना चाहिए, कटिंग का वैसा चाहिए था। और साथ ही साथ जैसे कभी पफ बनाए तो अच्छा थोड़ा सा बाउंसी पफ बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो बस इस तरीके से लास्ट में यू कट कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, तो ये वीडियो ना उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिनको भी लगता है कि हमें एक अच्छा कटिंग चाहिए और हेयर की जो लेंथ है वो भी ना कम हो, तो आप ले सकते हैं। अगर आपके हेयर छोटे हैं तो भी आप ले सकते हैं। प्रोसेस आपको ऐसे ही रखना है। लेंथ मायने नहीं रखती, लेंथ जिसकी जैसी भी हो, आपकी लेंथ के हिसाब से भी ये हेयर कट हो जाएगा, ठीक है। मैंने इनके बालों पे ऐसे हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करके ब्लो ड्राई किया हुआ है और फ्रंट लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गर्ल्स लोगों पे ऐसा टाइप का कटिंग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लड़कियां जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो उनको अच्छा लगता है हेयर को ओपन रखना या कभी पोनी बना लेना। सभी तरीके से ना इस टाइप का कटिंग अच्छा दिखता है। पोनी भी बनाएंगी तो पूरे बालों पर अच्छा बाउंसी स्टेप्स लुक दिखता है और सामने से ऐसा फ्लिक्स को निकालने के बाद में पफ भी कर सकती हैं। सभी तरीके से बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए है ना, तो इनको ऐसा हैवी लुक चाहिए था साइड से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप सबको कैसा लगा आज का ये हेयर कट। और साइड से देखिए फ्रंट में जो लेयर स्टेप्स नीचे तक आए हुए हैं काफ़ी अच्छे घने दिखने लगे। नीचे का जितना हेयर इनका डैमेज था, मतलब इनके बताने के हिसाब से ही मैंने इनकी हेयर की लेंथ को शॉर्ट किया हुआ है। तो ये कंप्लीट हो चुका है फाइनल लुक। बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी मैं ऐड कर दी हूँ, लगा दी हूँ। आप पिक में भी लुक देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो क्लिप भी लगा दी हूँ ताकि आप वीडियो में भी देख के अच्छे से समझ सकें। तो देखिए हेयर नीचे से ही काफ़ी पतला था और अभी नीचे नीचे ही बालों में कितना अच्छा बाउंस आ गया है। पूरे बालों पे अच्छा दिख रहा है। मैं ऐसा विदाउट ऐसा पकड़े भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर ये अपने बालों को क्लच करेंगी ना तो भी बहुत सुंदर लुक आएगा। तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। आप लोग आजकल लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज लाइक जरूर किया करें। कल मिलते हैं एक और अच्छी सी प्यारी सी नई वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, बाय एवरीवन।